हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 29 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ एम्प्रेस श्वान शाओशेंग को अपने साथ लेकर जाती है। सभी सर्वेंट एम्प्रेस को ग्रीट करती हैं। शाओशेंग स्मेल करती है और पूछती है कि क्या है। एम्प्रेस कहती है इसे सोते वक्त जलाते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। तुम बताओ मुझे कि तुम्हें किस टाइप की स्मेल पसंद है। सभी सर्वेंट वहाँ से चली जाती हैं। एम्प्रेस कहती है पढ़ने के बाद तुम यहाँ आराम कर सकती हो। शाओशेंग देखती है और पूछती है क्या आपने इसे मेरे लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है ताकि मैं यहाँ रेस्ट कर लूँ। एम्प्रेस हाँ करती है और कहती है लड़कियों को लाड़ प्यार मिलना चाहिए। घर छोड़ के पढ़ना ही तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था। अगर तुम यहाँ तसल्ली से नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दूंगी जो हमेशा से तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम यहाँ सब देख लो और मुझे बता दो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं लग रही है। ओह, जीशेंग ने बताया मुझे तुम्हें वुडवर्क वाले डिजाइन की टेबल पर पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने ये टेबल मंगवा ली ताकि तुम उस पर डिजाइन कर सको। शाओशेंग उसे देख के खुश होती है। वो एम्प्रेस से कहती है एक्चुअली मेरी मदर ने कभी भी मुझे इतने प्यार से घर में ट्रीट नहीं किया, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एम्प्रेस कहती है तुम्हारी मदर एक फीमेल जनरल है जो वॉर में जाती है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट और टफ नेचर की है। ये तो नेचुरल होगा ही कि वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट परवरिश दे। शाओशेंग कहती है मैंने आपकी नीस की कंप्लेंट मैजिस्ट्री से की है, क्या आप मुझे ब्लेम नहीं करती। एम्प्रेस मना करती है। शाओशेंग कहती है कहीं इसलिए तो नहीं, मैं जनरल लिंग की फियांसे हूँ इसलिए आप मुझे अच्छे से ट्रीट कर रही है। एम्प्रेस कहती है ये भी नहीं, जिस लड़की को जीशेंग प्यार करता है ये नेचुरल है कि तुम्हारे लिए मैं क्यूरियस हूँ और तुम्हें मैं पसंद भी करती हूँ। मैंने सुना तुम्हारा बचपन अच्छे से नहीं बीता, फिर भी तुम बड़े होकर समझदार लड़की बनी हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे अच्छा ट्रीट करना चाहती हूँ। शाओशेंग कहती है मैं समझदार पर्सन नहीं हूँ, मुझे लगा कि अगर मैं वांगलिंग की कंप्लेन करूंगी तो कहीं आपको परेशानी ना हो जाए। एम्प्रेस कहती है लिंग के पास उसकी मदर का सपोर्ट है क्योंकि उसकी फैमिली लेट प्रिंस शानन से आते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी मिस ट्रीटमेंट नहीं मिला। बट तुम अलग हो, तुम अपने पेरेंट्स के बिना ही बड़ी हुई हो, तुम्हें बहुत सारे मिस ट्रीटमेंट मिले हैं वो भी ग्रैंड मदर और आंट से। मैंने भी ऐसी सिचुएशन में सफर किया है इसलिए मुझे पता है जीना कितना मुश्किल है, इसलिए मुझे तुम पे तरस आ गया। अगर तुम अपने वर्ड्स में रूड हो तो मैं उसका बुरा नहीं मानती। सो अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती हूँ। शाओशेंग उसे नील करते हुए कहती है थैंक यू एम्प्रेस, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। यहाँ शाओशेंग और बुई जाते हैं। बुई कहता है तुमने वांगलिंग की आज कंप्लेन की है, तुमने ये सब किया ताकि वो फ्यूचर में तुम्हें नीचा ना दिखा सके है ना। तुम ऑब्वियसली चेक कर रही थी कि मैजिस्ट्री तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। शाओशेंग कहती है इन सब के बाद मैं एम्प्रेस के अंडर पढ़ूंगी, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी अगर मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानूंगी तो। बुई हंसते हुए कहता है अब तुम्हें समझ आया एम्प्रेस का नेचर किस तरीके का है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस बहुत अच्छी है, जब उन्होंने कहा कि वो मुझे और अच्छे से ट्रीट करेंगी क्योंकि उन्हें मेरे बचपन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, बट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम्हें पता है जो फेवर वाली फीलिंग होती है, बट एम्प्रेस मेरी चिंता करती है जिसमें वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो बहुत नरम दिल की इंसान है। बुई कहता है कभी कभी नरम दिल होना अच्छी बात नहीं है। शाओशेंग कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। बुई कहता है अगली बार तुम मुझसे पूछ लेना अगर तुम कुछ भी जानना चाहती हो, इतना रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं किस टाइप की हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी हेल्पलेस की तरह बिताई है, अगर मैंने लड़ने का सोचा भी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बुई कहता है क्या तुमने सुना मेरे बारे में, कुछ भी, मैं चांगकुई पैलेस में बड़ा हुआ हूँ। शाओशेंग कहती है तो। बुई कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। शाओशेंग पूछती है किस टाइप के पर्सन हूँ। बुई शाओशेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। वो उसे भगाते हुए लेकर जाता है, वो कैपिटल की सबसे ऊंची जगह उसे ले जाता है। वो वहाँ रुकते हैं क्योंकि शाओशेंग कहती है लिंग बुई मैं बहुत थक गई हूँ भागते हुए। वो उसे दिखाता है यहाँ सितारों के बीच कैपिटल दिखती है। बुई कहता है मैं यहाँ बचपन से ही आता था इन सभी लाइट्स को देखने के लिए, मैं उस वक्त बहुत छोटा था इन दीवारों से, बट जब भी मैं लाइट्स को देखना चाहता था मैं इस दीवार पे चढ़ जाता था, तब मेरी इच्छा थी कि इन सभी लाइट्स में मेरी होने वाली लाइट कौन सी होगी। शाओशेंग कहती है ये तो इजी है। वही कहता है ये इजी नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। न्याओ न्याओ क्या तुम्हें पता है मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। शाओशेंग कहती है मैंने सुना था आप अंकल हु चोंग को भगवान की तरह पूछते हैं वो भी बचपन से। वही हाँ करता है और कहता है इसलिए मैंने मैजेस्टी को रिपे करना चाहता हूँ मुझे बड़ा करने के लिए, और आई होप मैं बैटलफील्ड में लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और इस गैलेक्सी में जी सकूं। शाओशेंग और बुई आसमान देखते हैं। शाओशेंग बुई को और करीब से देखती है। बुई कहता है क्या हुआ। शाओशेंग कहती है मैं बस तुम्हें करीब से देखना चाहती हूँ। बुई कहता है क्या देखना चाहती हो। शाओशेंग कहती है तुम्हारे आंखों की चमक। बुई शाओशेंग के और करीब आता है
और कहता है अब तुम ज्यादा अच्छे से देख पाओगी। शाओशांग कहती है देखने के लिए क्या बेटर है। पुई कहता है चमकता स्टार मेरी नजरों में वो सिर्फ तुम हो। शाओशांग मुस्कुरा जाती है। तभी आवाज आती है वहाँ कौन है। शाओशांग बुई को कहती है गार्ड जा रहे हैं चलो यहाँ से हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बुई को खींचती है। बुई कहता है इतनी जल्दी क्या है। वो मुड़ता है। सभी सोल्जर उसे देख के ग्रीट करते हैं जनरल लिंग। बुई कहता है क्या तुमने अभी किसी को यहाँ देखा। सोल्जर्स मना करते हैं और कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं देखा। बुई कहता है तुमने नहीं देखा तो अब तुम ध्यान से देखो। बुई शाओशांग के माथे पे किस करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सोल्जर्स गिर जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। बुई शाओशांग को पकड़ा हुआ होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ शाओशांग जब घर पे आती है वो खुशी के मारे झूमती है और नाचती है और शर्माती है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और कहता है तुम इस तरह से बिहेव कैसे कर रही हो। क्या मैजिस्ट्री आ रहे हैं चेंग फैमिली को पनिश करने के लिए क्योंकि तुम्हारी वजह से लिंग बुई घोड़े पे से गिर गया। चलो जल्दी हम सभी पैकिंग करते हैं और रात में यहाँ से भाग जाते हैं। शाओशांग कहती है मैजिस्ट्री ने मुझे ब्लेम नहीं किया बट आप मुझे इतने डरे क्यों लग रहे हो। सॉन्ग कहता है तुम्हारा चेहरा तो लाल और तुम्हारी गर्दन में इतनी सूजन कैसे है। शाओशांग कहती है मैं भूल सकती थी अगर आप मेरे फेस को लाल बताते बट लड़की की गर्दन में सूजन कहना अच्छी बात है क्या। मैं बस नर्वस हो रही हूँ क्योंकि कल से मैं पैलेस में पढ़ने जाऊंगी। सॉन्ग कहता है तुम कल से पैलेस में पढ़ने जा रही हो ये तो गुड न्यूज है। मेरा मतलब ये तो अच्छा नहीं है। सोचो जरा तुम्हें घर छोड़कर हर रोज पढ़ने जाना होगा ये तो बहुत दुख की बात है। आई होप तुम अपना ख्याल रखोगी मैं सोने जा रहा हूँ। शाओशांग उसे रोकती है। सॉन्ग कहता है अब क्या हुआ। शाओशांग कहती है सॉन्ग क्या तुमने किसी को किस किया है। सॉन्ग को अपने और चीची का इंसिडेंट याद आता है। वो अपने मुंह पे हाथ रखते पूछता है तुम क्यों पूछ रही हो। शाओशांग उसे रोकती है और कहती है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है सुना तुमने। सॉन्ग कहता है ऑफ कोर्स मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा बट पेरेंट्स से इस बात को छुपाना आसान नहीं होगा। तुम्हें तो मदर का गुस्सा पता ही है अगर उन्हें पता चला तो। शाओशांग कहती है तुम मत बताना अगर तुम्हें मरना ना हो तो। सॉन्ग कहता है यूर राइट हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे हम भाई बहन एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। शाओशांग को डाउट होता है सॉन्ग के ऊपर जब उसने उससे पूछा था कि तुमने किसी को किस किया। सॉन्ग ने अपना मुंह ढक लिया। यहाँ शाओशांग सोती है वो करवट बदलती है और बैठ जाती है कभी लेट जाती है उसे नींद तो आई नहीं रही होती है। वो बुई के साथ बिताए हुए पल को बहुत याद करती है और खुश होती है। वो मचलती है फाइनली वो रात में सो जाती है। सुबह होते ही लियांग फेंग शाओशांग को उठाने आती है। वो कहती है सुबह हो गई है आप अभी तक सो क्यों रही हैं अब आपको उठना चाहिए। वो शाओशांग को उठाती है और कहती है जनरल लिंग बाहर आपका कैरेज में वेट कर रहे हैं आपको पैलेस में जाकर पढ़ना है आपको लेट होना नहीं चाहिए। वो उसे उठाती है बट शाओशांग उठती नहीं है। लियांग फेंग उसे खाने को देती है शाओशांग उसे खाती है। लियांग फेंग कहती है जब भी बात पढ़ाई की आती है आपकी नींद तो उड़ी जाती है इसलिए मैंने ये सब तैयारी पहले से करके रखी है। वो उसे खाने को देती है। शाओशांग कहती है तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो मुझे पता है कि ये सब तैयारी तुमने की है क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं भूखे पेट ही ना चली जाऊं पढ़ने के लिए है ना। लियांग फेंग मना करती है और कहती है मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि आपका दिमाग तेज हो सके। वो उसे खिलाती है शाओशांग खाती है। यहाँ बुई शाओशांग को पैलेस में ले जा रहा होता है। यूफे कहता है क्विकी हमें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है कल मास्टर देर रात तक टहलने निकल गए थे मुझे उनके साथ जाना पड़ा इसलिए मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाया मुझे नींद आ रही है। क्विकी कहता है मास्टर ने पहली बार किसी को किस किया है इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए ये तुम्हारे साथ फ्यूचर में भी होगा। यूफे कहता है मैं पूरी जिंदगी किसी को भी किस नहीं करूंगा इससे अच्छा तो ये है कि मैं आराम से ही सो जाऊं। क्विकी उसे सपने देखने के लिए मना करता है अब हमें हर रोज जल्दी उठना होगा। यूफे पूछता है क्यों। क्विकी कहता है किसी को अपने फियांसे की चिंता है। यूफे रोता है हे भगवान मुझे छोड़ दो ये सब कब खत्म होगा। यहाँ शाओशांग एम्प्रेस के साथ पढ़ती है जी तोंग उसे और स्क्रोल देती है। शाओशांग उसे देखती है यहाँ शाओशांग को टीचर पढ़ा रही होती है। वो पढ़ती है वहाँ जीतोंग एम्प्रेस और शाओशांग वहाँ सभी होते हैं। दूसरे ही दिन लियांग फेंग शाओशांग को फिर से उठाती है। बुई उसे छोड़ने जाता है बुई उबासी ले रहा होता है। यहाँ शाओशांग एम्प्रेस के पास पढ़ती है और बैठे बैठे ही सो जाती है उसका स्क्रोल गिरता है। यहाँ उसे टीचर सिखाती है शाओशांग उसे सीखती है। तीसरे दिन फिर से लियांग फेंग शाओशांग को उठाती है हर रोज की तरह बुई उसे छोड़ने जाता है। शाओशांग वहाँ पढ़ती है और वहाँ सो जाती है फिर टीचर उसे सिखाती है हर रोज वहाँ अलग अलग लेसन सिखाए जाते हैं शाओशांग उसे सीखती है।
एम्प्रेस शाओशेंग को उसकी गलतियाँ दिखाती है जो उसने की होती है। शाओशेंग कहती है, इतनी सारी गलती? एम्प्रेस कहती है, तुमने पढ़ना लिखना बचपन में नहीं सीखा, इसलिए अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने गलती की तो उसे दोबारा से सुधारो। शाओशेंग कहती है, जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है। एम्प्रेस कहती है, क्लासिकल टेक्स्ट तुम्हें समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारी एज के लोगों को आसानी से उसे समझ नहीं सकते, इसलिए सब तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा। कुछ चीजें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, बट हमें ये जरूर हेल्प करती हैं। शाओशेंग कहती है, जब वो लड़कियाँ उन क्लासिकल कोट्स को पढ़कर मेरा मजाक उड़ाती हैं क्योंकि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ क्या? एम्प्रेस एक पजल दिखाती है और कहती है, मैं इसे कई दिनों से सॉल्व करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ। शाओशेंग कहती है, मुझे इसे सॉल्व करना आता है। वो इसे सॉल्व कर देती है। वो एम्प्रेस को नए नए तरीके बताती है। वो कहती है, मैंने इसे बनाया है। एम्प्रेस कहती है, मैं सिर्फ पोएट्री और क्लासिक में ही अच्छी थी, बट तुम बिल्डिंग मैकेनिज्म बनाने में माहिर हो। हर किसी की अपनी अपनी काबिलियत होती है। वो एम्प्रेस को नए नए तरीके दिखाती है। यहाँ वो धीरे धीरे सिखाती है। यहाँ सभी खुश होते हैं। शाओशेंग कहती है, मुझे चीजें बनाने के अलावा भी बहुत कुछ आता है। वो एम्प्रेस की स्ट्रेचिंग करती है। सर्वेंट अंदर आकर उसे रोकते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम उनकी इंसल्ट कैसे कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस के बैक में पैर रखने की? शाओशेंग कहती है, मैं इससे एम्प्रेस का दर्द कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वो हमेशा कहती थी कि उनके बैक में दर्द होता है, इससे उनके मसल लूज हो जाएंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो। आप एम्प्रेस से खुद ही पूछ लें, क्या उन्हें दर्द में आराम मिला क्या? एम्प्रेस कहती है, मुझे अब अच्छा लग रहा है। सर्वेंट कहती है, मुझे पता नहीं था कि मिस चेंग के पास ऐसा भी टैलेंट है। जीतों कहती है, मिस चेंग, क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? शाओशेंग हाँ करती है। सर्वेंग कहती है, मिस लू, आप ये इसलिए सीखना चाहती हैं ताकि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ ये कर सके? जीतों कहती है, आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। अगर मुझे एम्प्रेस के साथ रहना है तो मैं मिस चेंग की तरह एम्प्रेस को अटेंड करूंगी। ये तो बेटर है ना, शादी करके दूर चले जाओ और अपनी फैमिली से भी और दूर हो जाओ, इससे मुझे जालसी होती है। तुम किस्मत वाली हो शाओशेंग। शाओशेंग कहती है, मिस लू, आप पहली ऐसी हैं जिससे मुझे किस्मत वाला बताया है। जीतों कहती है, तुम्हें पता ही नहीं कितनी लड़कियां तुमसे जलती हैं जब तुम जनरल लिंग की फैन से बनी। सर्वेंट कहती है, मिस, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। जिया फैमिली नॉर्थ वेस्ट में पावरफुल के साथ इन्फ्लुएंशियल है। शादी के बाद आप वहाँ की मैडम होंगी, आपकी जिंदगी वहाँ खराब नहीं होगी। तभी बाहर से आवाज आती है, मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है, बाहर इतना बड़ा हंगामा क्यों हो रहा है? जीतों कहती है, मैडम वैनशू होंगी। शाओशेंग कहती है, वो है कौन वो और वो यहाँ क्यों आई है? जीतों बताती है, वो एम्प्रेस की कजन है। ये उस मैटर में है जो आपने मिस वांग की कंप्लेंट मैजिस्ट्री से की थी। शाओशेंग डर के मारे खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या वो मुझे यहाँ गलत बताने आई है? एम्प्रेस कहती है, अगर तुम ऑफिशियल होती तो मुझे यकीन है तुम उनको जरूर खुश कर देती। शाओशेंग कहती है, मैं तो सिर्फ सच कह रही थी, कोई भी पैलेस में आ जा नहीं सकता जब तक उन्हें बुलाया ना गया हो। बट वो आज यहाँ अपनी मर्जी से क्यों आई है? ये तो डबल क्राइम है। तभी वैन श्यूजन अंदर आती है और कहती है, क्या तुम मिस चेंग हो? तुम तो गुड लुक के साथ पैदा हुई हो, तो क्या तुमने इसी लुक से जीशेंग को फसाया है? कुछ ही दिन हुए तुम्हें पैलेस में आए, पर तुमने अच्छे से सीख लिया कि लोगों के मुंह पे दरवाजा कैसे बंद करते हैं। जैसे ये शाओशेंग कुछ कहती है, एम्प्रेस उसे रोकते हुए कहती है, शाओशेंग। तभी शाओशेंग ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। वांग लिंग भी उसके पीछे जाती है। यहाँ शाओशेंग अपने रूम में आती है। वांग लिंग उसका पीछा करते हुए उसके रूम में पहुँचती है। वो कहती है, यहाँ का इंटीरियर तो बहुत कच्चा और प्लेन है, देखने में ऐसा लगता है आंट तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। जैसा मैंने सोचा था जब मैं यहाँ बचपन में रहती थी, मैंने सोने के बर्तन का यूज किया, सिल्क के कपड़े पहने और फैंग शीगू इंसेंस का यूज किया। शाओशेंग उसे कप देती है, वांगलिंग उसे पीती है। शाओशेंग कहती है, जीशेंग ने ये कप स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर किया है, क्या ये पकड़ने में इतना गर्म तो नहीं है? शाओशेंग उस कप को छीन कर कहती है, ये बहुत अच्छे मिट्टी से बना है, इसलिए सोने के बर्तन से ज्यादा अच्छा है और ये पकड़ने में गर्म भी नहीं है। अरे हाँ, जीशेंग ने तो मेरे लिए कुशन भी भिजवाए हैं, उसे लगा कहीं मैं अपने नीज को हर्ट ना कर दूं। जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये स्पेशली सॉफ्ट कुशन सिर्फ मेरे लिए उसने भिजवाया है। ऐसे कुशन तो मेरे घर पे भी थे, मुझे तो इसे यूज करने की आदत हो गई है। वांगलिंग कहती है, शाओशेंग, तुम बार बार जीशेंग का नाम क्यों ले रही हो? उसका नाम लेना बंद करो, तुम्हें बस अच्छा फ्यूचर हस्बैंड मिला है, इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है, मैं तो उछलूंगी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम और तुम्हारी मदर इतना अपसेट नहीं होते। लियांग कहती है, बेशरम। शाओशेंग कहती है, मिस वान, भले ही मैं तुम्हें कहूँ या नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वांगलिंग कहती है, दोस्ती करने में बहुत देर हो चुकी है। शाओशेंग कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम स्टूपिड हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, लोग बोलते ही उनकी बातें पकड़ लेते हैं। जब मैं पहली बार तुमसे मिली
तब मुझे समझ आया तुम्हें एक चीज सीखने की जरूरत है, और वो ये कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैजेस्टी हमेशा से ही केयरफुल है। मैंने तो एम्प्रेस का कमरा भी देखा, बट मैंने वहाँ कभी भी सोने के बर्तन या सिल्क के कपड़े नहीं देखे जैसा तुमने बताया। तुम बिना सोचे समझे झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम्हें डर नहीं लगता कहीं मैजेस्टी तुम्हें पनिश न कर दे? वांगलिंग कहती है पुराने पैलेस में सभी कुछ वैसा था। शौशन कहती है भले ही तुम कुछ भी कहो ये सब तुम्हारा हो भी नहीं सकता। मैं अपना टाइम तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। वांगलिंग चिल्लाते हुए कहती है ये सब मेरे थे, तुम्हें क्या पता प्रिंस यानन के खर्चों के बारे में? वो इस पैलेस के खर्चे से भी ज्यादा थे। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर वैन क्लान के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल थे। उनके टाइम में वो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन थे। उनके पास 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर थे। मैजेस्टी और फर्स्ट वाइफ यू चाइल्डहुड लवर्स थे, बट मैजेस्टी ने मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर की बात मानकर एम्प्रेस से शादी भी की ताकि हम एक हो पाए, बट वो फैमिली अब नहीं रही क्योंकि मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं बचे ग्रूसिटी की वजह से, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। रॉयल फैमिली ने अपना प्राइम टाइम निकाल लिया। यहाँ वैन शूजन और एम्प्रेस होते हैं। वैन शूजन कहती है तुम मिस चेंग को बचा रही हो, तुमने उसे यहाँ से जाने दिया कैसे? जैसे ही मैं अंदर आई, क्यों कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं उसे लिंक की वजह से उसे पनिश ना कर दूं? मुझे नहीं पता तुमने मिस चेंग में क्या देखा, वो इग्नोरेंट इनकॉम्पिटेंट और वल्गर है। कुछ लड़कियां तो बिल्कुल बेकार होती हैं। उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करेगा, उसका बेटा इनकॉम्पिटेंट होगा, उसके भाव में कोई तमीज नहीं होगी, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी तमीजदार नहीं होगी। वो तो सिर्फ अपना प्यार दिखा सकती है, वो भी बाहर के लोगों को। एम्प्रेस कहती है तुम यहाँ क्या मेरी बेइज्जती करने आई हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो? शूजन मना करती है और कहती है मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने छोटे भाई और लॉर्ड शियानन के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे लेटर देने को कहा है, उन्होंने कहा है कि शाओचन में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कॉइन का राइट अपने टेरिटरी में मांगना चाहता है। शियानन के लोगों ने मैजेस्टी को बचाया था, सभी लोग मर गए, बस मेरा छोटा भाई ही बचे हुए हैं। आई एम श्योर तुम मुझे मना नहीं करोगे इस छोटे से मैटर में, है ना? एम्प्रेस कहती है मैं स्टेट अफेयर्स के बीच में कभी भी नहीं पड़ी, तुम गलत इंसान के पास आई हो। शूजन चिल्लाते हुए कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम बीच में नहीं पड़े? तुम्हें याद है ना शियानन फैमिली की काइंडनेस? तुम्हारे फादर जब मर चुके थे वो मेरी ही फैमिली थी जिन्होंने तुम्हें अपनाया था। एम्प्रेस कहती है शूजन तमीज से बात करो। शूजन कहती है तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो क्योंकि अब तुम एम्प्रेस हो? बाहर सभी सुनते हैं। तभी शाओशेंग और वांगलिंग वहाँ आते हैं। शाओशेंग वहाँ आकर पूछती है क्या हो रहा है? अंदर से चिल्लाने और चीखने की आवाज आ रही होती है। सर्वेंट कहती है एम्प्रेस ने अंदर जाने के लिए मना किया है। सभी वहाँ बाहर से सुनते हैं। वैन शूजन अपनी पुरानी बातें जताती है और एम्प्रेस की बेइज्जती करती है, बट एम्प्रेस कुछ भी कह नहीं पाती, वो सब सुनती है। शाओशेंग अंदर जाती है, शूजन स्टैंड को मारती है। जैसे ही वह एम्प्रेस को लगता है शाओशेंग अपना हाथ लगाकर उसे बचा लेती है। एम्प्रेस कहती है शाओशेंग तुम्हारे हाथों में लग गई है, कोई फिजिशियन को तो बुलाओ। शूजन कहती है नाटक करना बंद करो, तुम्हें फिजिशियन की जरूरत है, बुलाओ। सारे दरवाजे खोल देते हैं ताकि सभी को पता चले कि इस पैलेस का मास्टर किस टाइप का है। शाओशेंग कहती है क्या आपको समझ नहीं आया कि एम्प्रेस ने दरवाजा क्यों बंद किए और लोगों को अंदर जाने के लिए क्यों मना करवाया? आपको क्या लगता है एम्प्रेस आपसे डरती है? वो आपको बचाना चाहती थी। अगर आप बकवास करेंगी और बातें बाहर पहुंच गईं, तो लोग आपके और आपकी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे? शूजन कहती है मौत से मैं डरती हूँ क्या? शाओशेंग कहती है अगर आपको मौत का डर नहीं तो यहाँ क्यों आई हैं? आप जा सकती हैं और मैजेस्टी से कह सकती हैं आप एम्प्रेस को क्यों परेशान कर रही हैं। शूजन कहती है तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह कचर कचर चल रही है, समझ आ गया तुम्हें? मुझे समझ आ गया तुम्हें किस टाइप के बच्चे पसंद है। तुम वाकई में एक जैसी सोच के हो, मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर मैजेस्टी मुझे मार भी दे तो मैं डरूंगी भी नहीं। अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ एम्प्रेस भूल गई क्या मेरे फादर की काइंडनेस। शाओशेंग कहती है बिना रिवॉर्ड के काइंडनेस दिखाना मेरी जैसी वल्गर को भी समझ आता है। मैं ये सब सोचकर बहुत सरप्राइज हुई हूँ कि आपको इसके बारे में पता नहीं। क्या लेट प्रिंस शियानन एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनकी बहन और उनकी फैमिली उन्हें रीपे करे जब उन्होंने उन्हें वापस अपनाया? लेट प्रिंस शियानन ने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मैजेस्टी से क्यों नहीं करी? अरे हाँ, उस वक्त कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था कि एम्परर कौन बनेगा, इसलिए उन्होंने उस वक्त अपनी बेटी की शादी नहीं की। वैन शूजन चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की? वो उसे मारते हुए आती है, एम्प्रेस उसे रोकती है। वांगलिंग कहती है ऐसी बात नहीं है, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर और मैजेस्टी एक ही वंश से आते हैं। शाओशेंग कहती है तो ऐसी बात है, आप और मैजेस्टी कजिन हैं, इसलिए आप इनसे शादी नहीं कर सकती थी। तो लेट प्रिंस शियानन ने मैजेस्टी को फेवर नहीं किया, अगर आप उनसे शादी नहीं कर सकती थी तो
तो इसलिए उन्होंने एम्प्रेस की शादी मैजेस्टी से करा दी, इसलिए एम्प्रेस ने आपका कुछ भी नहीं लिया है। श्योजन कहती है, श्वान तुम इस लड़की को सिर्फ देखती ही रहोगी, वो मेरा मजाक उड़ा रही है। शाओशांग कहती है, एम्प्रेस को परेशान करना बंद करो। श्योजन कहती है, मैं कह रही हूँ। तभी बाहर मैजेस्टी और बुई आ जाते हैं, उन्हें सब कुछ बाहर से सुनाई देता है, वो सब कुछ सुनते हैं। अंदर शाओशांग कहती है, मैं तो वल्गर हूँ, आई होप आप अपना ह्यूमन नेचर दिखाएं और मेरे जैसे नीच लड़की को माफ कर दें। श्योजन कहती है, शाओशांग तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी एक पागल औरत की कोख से पैदा हुआ है और उसे छोड़ भी दिया है, भले ही वो पैलेस में पला बड़ा हो, क्या वो अपने आप को प्रिंस समझता है। शाओशांग कहती है, जीशांग की ग्लोरी और अकम्पलिशमेंट, उसने खुद बैटल में लड़के कमाए हैं, उसे मैजेस्टी की तरफ से कोई भी फेवर नहीं मिला, वो उन सभी से बेहतर है जो लेट प्रिंस शियानन की मैरिड पर लटके हुए हैं और चांगकुई पैलेस में हंगामा कर रहे हैं। श्योजन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हो, तुम्हें पैलेस के रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम मुझे सिखाओगी, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ पैलेस का फर्स्ट रूल, मैं दिखाती हूँ तुम जैसी नीच को उसकी औकात में कैसे रखते हैं। वो शाओशांग को चांटा मारती है, एम्प्रेस उसे रोकती है। श्योजन कहती है, श्वान तुमने मुझे मना किया मेरे भाई को कॉइन का राइट देने के लिए, अब मैं इस लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ, तुम मुझे फिर से रोक रही हो, मुझे पता है तुम अनग्रेटफुल पर्सन हो जिसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया। वो उसे धक्का मारती है, तभी मैजेस्टी की आवाज़ आती है, बस करो। सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं, मैजेस्टी अंदर आता है, एम्प्रेस माफी मांगती है और कहती है, मैं आपको अटेंड नहीं करने आई, और मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देती है। वो ये शाओशांग के पास आकर कहता है, तुम्हें लगी तो नहीं। मैजेस्टी कहता है, मैंने सब कुछ सुना जो भी तुमने कहा, क्या वो सब तुमने कहा। श्योजन कहती है, क्यों, अंकल श्वान पहले ही मर गए, मेरे फादर ने आंट के बच्चों को पाला और अच्छी परवरिश भी दी, क्या मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। वो ही कहता है, फैमिली की काइंडनेस कभी भी सेटल नहीं हो सकते, जब आपके ग्रैंडफादर खतरे में थे उस वक्त श्वान क्लान ने उनकी हेल्प की थी, तभी वो खतरे से बाहर आए, उसके बाद प्रिंस श्यानन को बचाते हुए श्वान क्लान ने उनकी हेल्प की। आप श्वान क्लान की काइंडनेस को इस तरह से रिपे करेंगी, लोग आते जाते रहते हैं, आप इस बात का अब हर रोज गाना गाएंगी। श्योजन कहती है, मैजेस्टी मेरे फादर गू सिटी को बचाते हुए मर गए, मेरे बहुत सारे भाई बहन थे उस वक्त वार में, सभी खत्म हो गए, अब सिर्फ मेरा छोटा भाई ही बचा है, आज मैं उसके लिए एम्प्रेस से फेवर मांगना चाहती थी, क्या ये गलत है। मैजेस्टी कहता है, अगर तुम्हें कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी थी या आप जनरल ऑफ चैरियट और कैलवरी से आपने हेल्प क्यों नहीं ली, वो एप्लीकेशन को असेंबली में सबमिट कर सकते थे, आप यहाँ एम्प्रेस को परेशान करने क्यों आई हैं? इसलिए आपको पता था कि एम्प्रेस सभी कुछ टॉलरेट करती हैं और वो आपको माफ भी कर देंगी, आपने एम्प्रेस को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने अपनी लिमिट को क्रॉस भी कर दिया, आप में मैनर्स की कमी है, आप किस टाइप का पनिशमेंट डिजर्व करती हैं? एम्प्रेस कहती है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्या हम सब कुछ खत्म करें। मैजेस्टी मना करता और कहता है, मैं इसे आसानी से जाने नहीं दे सकता, बताओ मुझे क्या कहना चाहती हो, मैं भी तो देखूं कि अब कहने को बचा क्या है। वो ही कहता है, मैडम श्योजन आप चूज करें कि आप यहाँ रुकना चाहती हैं और मैजेस्टी से पनिशमेंट लेना चाहती हैं, या फिर आप मेरे ऑर्डर को सुनना और पैलेस से जाना चाहती हैं। श्योजन बुई को देखती है, पैलेस के बाहर श्योजन कहती है, मैजेस्टी और एम्प्रेस ने तुम्हें बेकार में बड़ा नहीं किया, मैंने तुम्हारा जैसा चालाक इंसान को कभी नहीं देखा, तुम्हारी फियांसे भी कुछ कम नहीं है, वो एम्प्रेस को बचाने के लिए उसने अपनी चिंता भी नहीं की। बुई कहता है, हम तुम्हारी तरह नहीं है मैडम, आपके लिए हमारी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यंग प्रिंस श्यानन की सेफ्टी से भरकर इससे शो होता है, लेट प्रिंस श्यानन ने आपको बेकार में बड़ा नहीं किया। श्योजन कहती है, तुम्हारे जैसा जिसके पास पेरेंट्स का प्यार नहीं, जिसके पास दिल नहीं, उसे क्या समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैजेस्टी ने मेरे फादर को ऑर्डर नहीं किया होता गू सिटी बचाने के लिए, तो वो बिना जीत हासिल करके मरते नहीं। वही कहता है, मैडम क्या आपको पता है लेट प्रिंस श्यानन बिना जीत हासिल करके मर क्यों गए। श्योजन कहती है, हाँ मुझे पता है, उस साल मार्केस यू ने अपने आदमी को पहले भेजे थे इन्वेस्टिगेट करने बदबू वाली जगह को, मेरे फादर अपने आदमी को भेज नहीं पाए, जितने भी लोग वहाँ गए सभी मर गए, मार्केस यू ने सभी बातें मेरे फादर को बताई थी, बट अफसोस हुआ सुनकर कि मेरे फादर तब भी गू सिटी को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने आदमियों को बदबू वाली जगह ले गए, इसी वजह से वो अपनी जिंदगी को खो सके, वो तो तुम्हारे अंकल को बचाना चाहते थे, बट मेरे फादर वहाँ जंगल में ही अकेले मर गए, अगर आज मेरे फादर जिंदा होते तो हमें नहीं पता होता आज का राजा कौन होता। वही कहता है, मैडम मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आपको कोई उल्लू न बना दे। श्योजन पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है। वही कहता है, मार्केस यू हमेशा से ही श्वान क्लान से भेदभाव करता हुआ आ रहा है, हो सकता है पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई हो, आप उन पे पूरा ट्रस्ट कैसे कर सकती हैं? वैसे भी मैजेस्टी ने जो भी किया
अच्छा ही किया। यंग प्रिंस शैनन के लिए, उनके पास कॉपर माइन है, वो अपनी लाइफ कंफर्ट के साथ जीते होंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप केयरफुल रहें, आप एक तरफा बातों पे यकीन ना करें। शुजन मुस्कुराते हुए चली जाती है। क्विकी बुई से कहता है, मार्केस यू खुश नहीं थे जब मैजेस्टी ने एम्प्रेस से शादी की। वो हमेशा से प्रिंस शैनन से नफरत करते थे, वो अब एकदम से उनके अच्छे और सगे कैसे बन गए। यूफे कहता है, कहीं वो पूरे श्वान क्लैन को मरवाना तो नहीं चाहते थे ताकि फर्स्ट वाइफ यू एम्प्रेस बन सके। बुई कहता है, मार्केस यू पे नजर रखो और इन्वेस्टिगेट करते रहो। क्विकी और यूफे एग्री करते हैं। थर्ड प्रिंसेस आती है और कहती है, मैं सोच रही थी कि किसे धक्के मार के चांगकुई पैलेस से निकाला जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि वो आप होंगी। एम्प्रेस हमेशा से ही काइंड है, उन्होंने आपको ना टॉलरेट करने का डिसाइड कैसे कर लिया और आपको गुस्से में निकलना पड़ा। शुजन कहती है, ये हमारी फैमिली की बात है, इतना कंसर्न दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, मैंने सुना कोई भीख मांगने आया था कॉइन का राइट, वो भी शाओचुन में। क्या आप यंग प्रिंस शैनन इतने गरीब हो गए हैं कि वो अब अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं? इससे पता चलता है कि वो कितना नकारा है। वो क्या सपना देख रहा था कि उसे कॉइन का राइट मिलेगा? कहीं गरीबी ने उसे पागल तो नहीं बना दिया? शुजन कहती है, जैसा मैंने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थर्ड प्रिंसेस अपने काम से मतलब रखो, वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थर्ड प्रिंसेस उसे जाते हुए देखती है, ऊपर से बुई उनको जाते हुए देखता है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.